हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, लुत्फ़ उठा रहे हैं IPL 2018 का, जो कि बड़े ही रोमांचक वे में मैच स्टार्ट हुआ है। तो आज यानी 17 अप्रैल 2018 का मैच, जो कि मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ चल रहा है, जिसमें आज मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी धुरंधरी पारी से 92 बॉल पे 94 रन का जोरदार स्कोर खड़ा किया है, जिसमें इन्होंने 10 चौके जड़े हैं और 5 छक्के जड़े हैं, जो कि स्ट्राइक रेट इनका 180.77 का था। बहुत ही गजब की इन्होंने पार्टनरशिप की है, जो कि साथ में लेविस थे, जो कि 42 बॉल पे 65 रन की पारी खेली है, जिसमें 6 चौके और 5 छक्के इंक्लूड हैं। इनका स्ट्राइक रेट 154 का था। तो दोस्तों, आप सभी देखे, टारगेट मुंबई ने 213 रन का दिया है, तो क्या RCB और विराट कोहली, जो कि भारत के यानी इंडिया टीम के कप्तान हैं और RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के भी कप्तान हैं, तो क्या ये इस टारगेट को अचीव कर पाते हैं? चलिए देखते हैं। थैंक यू। हे देयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस दिस बेल आइकॉन सो यू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट्स कॉज व्हेनेवर वी अपलोड।